सीरीज विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेफेयर विचेस के एपिसोड नंबर 5 की कहानी को। दोस्तों अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें 1681 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजैन एक औरत की डिलीवरी करा रही है। यह औरत एक बेबी बॉय को बर्थ देती है, लेकिन यहीं पर इस औरत का हस्बैंड होता है। वह अपने बच्चे को देखकर बोलता है कि यह मेरा बच्चा नहीं है, यह डीमन है। लेकिन अगली सुबह तक एक आदमी आकर इसी औरत को कैद कर लेता है जिसने अभी अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। सुजैन हैरान रह जाती है कि आखिर उसे पकड़ा क्यों गया है, और सुजैन को पता चलता है कि जिस आदमी ने उस लड़की को पकड़ा है वह विच फाइंडर का राजा है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ रोहन और सिप्रेन अभी भी उस घर में कैद होते हैं, लेकिन इन दोनों को याद नहीं है कि वे इस घर में कैसे आए हैं। यहाँ ये दोनों एक साथ रोमांस करते हैं, इंटीमेट होते हैं। सिप्रेन रोहन के लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है। अब इस तरह से इनका हर दिन ऐसे ही बीत जाता है। ये लोग रोमांस करते हैं, इंटीमेट होते हैं और खाना खाते हैं, लेकिन इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ तक ये लोग पहुँचे कैसे। लेकिन जो चाकू सिप्रेन को लगा था उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और सिप्रेन का घाव ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी वजह से सिप्रेन को बुखार हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है। इसलिए रोहन सिप्रेन को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती है। जब वह सिप्रेन के कपड़े सिप्रेन को ला कर देती है तब उनमें एक चाकू होता है और रोहन को ऐसा लगता है कि शायद मैंने सिप्रेन को यह चाकू मारा है। लेकिन जब सिप्रेन इस चाकू को हाथ लगा कर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि सारी कहानी क्या है। वह बताता है कि कार्लोटा ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और जब मैं तुम्हें बचाने के लिए आया तब यह चाकू मुझे लग गया। यहाँ पर कोई भी फोन काम नहीं कर रहा है क्योंकि इस पूरे घर को लेसर कंट्रोल कर रहा है। जब ये दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तब घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं। रोहन यहाँ की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश भी करती है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। सिप्रेन के घाव से भी अब खून बहने लगा है। रोहन जब खिड़कियों को खोलने की कोशिश कर ही रही होती है तब वहीं पर सिप्रेन आ जाता है और सिप्रेन बिल्कुल स्वस्थ है। रोहन उसे देखकर हैरान रह जाती है और उसके घाव को चेक करती है लेकिन उस पर कोई घाव नहीं होता। सिप्रेन बताता है कि तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी, शायद इसीलिए तुम्हें कोई विजन आया होगा। लेकिन हमें पता है कि यह सिप्रेन असली नहीं है, यह लेसर है जो सिप्रेन के रूप में आया है और असली सिप्रेन अभी भी वहीं पर दरवाजे पर पड़ा है। लेकिन तभी उसे एक आदमी नजर आता है घर के अंदर ही और यह एंथा को पुकार रहा है। एंथा रोहन की दादी माँ है जो वर्षों पहले ही गुजर चुकी थी। तब यह आदमी सिप्रेन को बोलता है कि वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगा, वो तुम्हारी जान लेकर रहेगा। दरअसल यह आदमी लाजर की बात कर रहा है। तभी रोहन सिप्रेन के हाथों को देखती है, उसके हाथों पर दस्ताने नहीं होते, इसलिए रोहन को पता चल जाता है कि सिप्रेन हमेशा दस्ताने पहनता है और यह असली सिप्रेन नहीं है, यह लाजर है। इसीलिए रोहन भागकर असली सिप्रेन के पास जाती है जो अभी भी नीचे पड़ा हुआ है। तब सिप्रेन बोलता है कि वो मुझे मार देगा, शायद मैं तुम्हारे और उसके बीच में आ रहा हूँ। तब रोहन बोलती है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। और जब वह मेडिसिन लाने के लिए अंदर जाती है तब यहाँ पर एक औरत मिलती है जो कार्लोटा की बहन है और वह रोहन से बोलती है कि तुमने मेरी बहन को मार दिया। रोहन बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया और मुझे तो यह भी नहीं पता कि कार्लोटा है कहाँ पर। तब तक रोहन मेडिसिन लेकर सिप्रेन के पास आ जाती है और उसका इलाज करना चाहती है। तभी रोहन सोचती है कि मुझे लासर से बात करनी चाहिए कि आखिर वह चाहता क्या है, और वह लासर को पुकारने लगती है और बोलती है कि मैं यहाँ घर में रहूंगी, तुम उसे जाने दो यहाँ से। और तभी सिप्रेन यहाँ से गायब हो जाता है। रोहन कमरे में जाती है तब वहाँ उसे एक ड्रेस मिलती है। उसे पता चल जाता है कि मुझे यह ड्रेस पहननी है और वह ड्रेस पहन के नीचे आ जाती है। यहीं पर लासर होता है। लासर यहीं चाहता था कि रोहन यह ड्रेस पहने। रोहन लासर से पूछती है कि तुमने सिप्रेन को कहाँ पर भेज दिया। लासर बताता है कि तुम जहाँ चाहती थी मैंने उसे वहाँ भेज दिया। रोहन बताती है कि मैं चाहती थी कि वह घर जाए। लासर बोलता है कि वो अपने घर पर ही है। रोहन पूछती है कि क्या वह जिंदा है। तब लासर एक ही बात बोलता है कि जो तुम चाहोगी वहीं होगा। लासर पूछता है कि क्या तुम दोनों ने इंजॉय किया। लासर बोलता है कि इस घर में जो भी तुम चाहोगी वहीं होगा। रोहन बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन लासर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, और बोलता है कि तुम डांस करना चाहती हो। और तब ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। रोहन जानना चाहती है लासर से कि तुम हो कौन। तब लासर कुछ भी जवाब नहीं देता। तब लासर बोलता है कि तुम प्लेजर चाहती हो, तुम केक चाहती हो, और यहाँ पर केक आ जाते हैं और रोहन उन केक को खाने लगती है। रोहन यहाँ पर लासर के साथ डांस करके अपने पुराने दिनों को याद करती है जब वह बहुत छोटी थी, और अपने उस दिन को भी याद करती है जब वह बहुत ज्यादा दुखी थी। रोहन अपने आप को जंगल में पाती है और वह लासर से बोलती है कि तुम मुझे चाहते क्या हो। तब लासर रोहन को किस करना शुरू कर देता है और लासर यही चाहता था। रोहन अपने आप को कमरे में पाती है जहाँ उसके सामने कार्लोटा टंगी हुई होती है और वह लासर से बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इसे ऊपर रखो। लेकिन लासर एक ही बात बोलता है कि जो तुम चाहोगी वही होगा। लासर बोलता है कि इस औरत ने उम्र भर तक तुम्हारी माँ को नशा दिया है। लेकिन रोहन ऐसा कुछ नहीं चाहती कि वह कार्लोटा को हानि पहुंचाए, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। वही हम सिप्रेन को देखते हैं जो अपने घर पर पड़ा हुआ है। उसके पास उसकी बहन आती है। सिप्रेन अभी भी घायल होता है। उसकी बहन सिप्रेन से पूछती है कि तुम्हारा यह हाल किसने किया है। सिप्रेन बताता है कि मैं मेफेयर हाउस गया था और वहाँ मेरा ये हाल हो गया, और बोलता है कि मैंने यहाँ पर किसी को बुलाया है और मैं नहीं चाहता कि तुम यह सब देखो, इसलिए उनके आने से पहले तुम कहीं पर चली जाओ या छुप जाओ।
तब सिप्रिन की बहन जाकर छुप जाती है। तभी यहाँ पर दो लोग आते हैं जिनमें से एक औरत होती है, और वे लोग देखते हैं कि सिप्रिन बहुत ज्यादा घायल है, और इन्हें पता चल जाता है कि सिप्रिन मेफेयर हाउस गया था इसलिए उसकी ऐसी हालत हुई है। और यह औरत बोलती है कि पता नहीं मेफेयर की वजह से हमें अपने कितने एजेंटों को खोना पड़ेगा, और यह औरत सिप्रिन का इलाज करना शुरू कर देती है। रोवन भी भागकर अपने कमरे में आ जाती है जहाँ कार्लोटा की बहन पहले से ही होती है। रोवन यहाँ से पूछती है कि कार्लोटा इस घर को कैसे कंट्रोल करती थी। तब वह एक अलमारी की तरफ इशारा करती है। रोवन जब इस अलमारी को खोलती है तब इसके अंदर एक डायरी होती है। यह औरत बोलती है कि वो मत करो जो कार्लोटा किया करती थी, और यह औरत रोवन को बेसमेंट के अंदर ले जाती है। यहाँ पर रोवन को लासर फिर से नजर आता है, और वह बोलता है कि मैं पिछले 100 वर्षों से इस फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अब तुम मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहती हो, जो कि मुमकिन नहीं है। यहाँ पर कुछ फूल पत्तियां होती हैं, साथ ही एक ऑटोप्सी टेबल होती है, और लासर बताता है कि एंथा जो कि तुम्हारी ग्रैंड मदर है वो तुम्हारी तरह थी, वो भी एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन तभी कार्लोटा की बहन यहाँ दरवाजा बंद कर देती है और रोवन अंदर ही फंस जाती है। रोवन को यहाँ पर उस नौकरानी की भी लाश मिलती है जिसको कुछ दिन पहले कार्लोटा ने यहीं पर बंद करके रख दिया था। तब लासर बताता है कि यह कार्लोटा ने ही किया है, और कार्लोटा की फैमिली हमेशा से यहीं करती आई है। रोवन शांत हो जाती है और शांत होकर बोलती है कि मैं इस दरवाजे को खोलना चाहती हूँ, और यह दरवाजा खुल जाता है। सिप्रिन का भी इलाज वह औरत अभी कर रही है, और वह अपने जादू की मदद से सिप्रिन के घाव अपने ऊपर ले लेती है, और अपने घाव के अंदर से वह चाकू निकाल देती है जो चाकू सिप्रिन को मारा गया था। और यहाँ पर सिप्रिन ठीक हो जाता है, और यह सब उसकी बहन भी देख रही है। रोवन कार्लोटा के पास चली जाती है, और वह लासर से बोलती है कि हम यहाँ पर पुलिस को बुलाने वाले हैं, और जो कार्लोटा ने किया है उसकी सजा उसे पुलिस दे देगी, और वह कार्लोटा को नीचे उतार देती है। रोवन सोचती है कि जो वह कहती है वही बनता है, इसलिए शायद दरवाजा भी खुल जाए। जब वह दरवाजा खोलने का ट्राई करती है तो दरवाजा नहीं खुलता। तब यहीं पर कार्लोटा जाती है, और वह बोलती है कि मुझे पता है दूसरा बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, और वह रोवन को ऊपर ले जाती है जहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन यह रास्ता छत से है, रोवन यहाँ से कूद नहीं सकती। और यहाँ कार्लोटा रोवन से बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने मेरी लासर से जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, वह तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह बांध सकता है। लेकिन तभी कार्लोटा बोलती है कि तुमको तो तभी मार देना चाहिए था जब तुम छोटी बच्ची थी। इस बात से रोवन को गुस्सा आ जाता है, और वह अपने आंखों की मदद से कार्लोटा के दिमाग में चली जाती है, और कार्लोटा बालकनी से कूद जाती है जिससे वह वहीं पर मर जाती है। यहीं पर लासर होता है। रोवन बोलती है कि ये मैंने नहीं किया, ये तुमने मुझसे करवाया है। सिप्रिन भी अपनी बहन के साथ है, अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, और वह अपनी बहन को बताता है कि मैं टेलामास्का के लिए काम करता हूँ। उसकी बहन बोलती है कि मैं तो सोचती थी कि तुम FBI या किसी दूसरी कंपनी के लिए सीक्रेट एजेंट का काम करते हो। और सिप्रिन यहाँ से मेफेयर हाउस के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसे रोवन की जान बचानी है। रोवन भी दरवाजे तक पहुँच जाती है, और वह अपने पूरे मन से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, और यह दरवाजा खुल जाता है, और रोवन इस दरवाजे से बाहर निकल जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।